हेलमेट की हालत दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। टीआरके का भी कंडीशन देखिए। पानी में गिर गया था पूरा। आज मेरे ब्रांड न्यू हाइड्रेशन पैक का और टैंक पैक का उद्घाटन होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत जगह की राइड पे जा रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। मैं आज बहुत ज्यादा लेट हूँ। 5:30 बजे का टाइम था पहुँचने का और 6 बज चुके हैं। तरुण भाई अंदर कहीं लगा दूं क्या? आज टीम बेनेली ने मेरे को इनवाइट किया है अपने साथ संडे राइड में चलने के लिए और आज मैं बेनेली की कोई बाइक चलाने वाला हूँ। हेलो, सॉरी मैं लेट कर दिया। क्या हाल चाल? और तरुण भाई क्या हाल चाल? मस्त। बेनेली रायपुर के ऑनर हैं निशान जी और ये हमारे सारे राइडर्स 8 बाइक्स हैं और कुल राइडर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। रेडी? चलो। और मैं रास्ते में बता रहा हूँ कि हमारी राइड आज कहाँ तक की होने वाली है और बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है। मैं राइड करने वाला हूँ खूबसूरत बेनेली एम्फीरियल। बढ़िया है, इसमें अपराइट सीटिंग पोस्चर है। ग्लव्स 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 ग्लव्स। सुबह के 6:22 हो चुके हैं। सुबह के 7 बजने वाले हैं और हम लोग रायपुर शहर के सीमा से बाहर निकल चुके हैं। अगर आप इसी रोड में सीधे सीधे बढ़ते रहोगे तो आप पहुंच जाओगे बस्तर और आगे बढ़ोगे तो आप पहुंच जाओगे विशाखापट्टनम। और हमारा ग्रुप लीड कर रहे हैं निशांत जी अपनी बेनेली टीआरके में। शहर से बाहर निकलते ही ये खूबसूरत हरियाली शुरू हो गई है। बहुत ही बढ़िया प्लेजेंट टेम्परेचर है। अभी हम लोग गुजर रहे हैं अभनपुर से। सड़क गीली है, मतलब अभी अभी यहाँ पे बारिश हो चुकी है। आगे हम लोग को बारिश मिलने की पूरी संभावना है। हम लोग थोड़ी देर में धमतरी पहुँचने वाले हैं और ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सड़क बन रही है। और ये रायपुर धमतरी की सड़क काफ़ी समय से बन रही है, पता नहीं ये कब कंप्लीट होगी। सुबह के 7:45 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं धर्म की नगरी धमतरी। रास्ता काफ़ी ख़राब था, कीचड़ वीचड़ था, तो हेलमेट की हालत दिखाता हूं मैं आप लोगों को। देखिए कुछ ऐसा हो गया है, बस जहां से मेरे को देखना रहता है वहां पर को मैं अपने ग्लव से साफ़ कर रहा था। टीआरके का भी कंडीशन देखिए। बाकी मज़ा बहुत आ रहा है। धमतरी में हमारा छोटा सा स्मॉल सा ब्रेक हो गया, वाटर ब्रेक। अभी यहाँ से जो डेस्टिनेशन है वो है 25 किलोमीटर। और आगे फ्यूल स्टेशन है अपना राइट साइड पे, अगर किसी को फ्यूल वगैरह करना है तो आगे उधर मिलेगा। पेट्रोल नहीं चाहिए बहुत। यहाँ से हम लोग ले रहे हैं लेफ्ट टर्न। खूबसूरत वादियाँ शुरू, दोनों तरफ घने जंगल दिख रहे हैं। अभी हम लोग जिस गाँव से गुजर रहे हैं इस गाँव का नाम है बनरौद और ये है बनरौद का विश्राम गृह। यहाँ से हम लोग को लेना है राइट टर्न मुरुम सिल्ली बांध की तरफ। आज हम लोग जो खूबसूरत सा बांध देखने के लिए आए हैं इसका नाम है माडम सिल्ली जलाशय। धमतरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत ही विशाल और बहुत खूबसूरत जलाशय है, काफ़ी पीसफुल भी है। देखिए जो हमारे बेनेली के राइडर्स कुछ यहाँ पे आराम से बैठ के व्यू का आनंद ले रहे हैं, कोई ड्रोन उड़ा के इस व्यू को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ जो एक्स्ट्रा एडवेंचरस हैं वो वहाँ पे जाके बिल्कुल जल के पास में जाके बढ़िया आनंद ले रहे हैं। इस तरफ ये मेन गेट लगा हुआ है, इसके बाहर में बढ़िया हम लोग अपनी बाइक्स पार्क कर दिए हैं और इस तरफ जाएंगे तो यहाँ से जो नज़ारा देखने को मिलेगा वो और भी ज़्यादा अद्भुत और खूबसूरत होगा। इस तरफ दूर दूर तक पानी नज़र आ रहा है और बीच में ये जो खूबसूरत सा पत्थर है अलग ही माहौल बना रहा है। और यहाँ पे मैंने देखा कि तितलियाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारी तितलियाँ, जैसा आप लोग देख रहे होंगे कितनी सारी तितलियाँ उड़ रही है। जब हम लोग आ रहे थे तो मेरे हेलमेट में भी बहुत सारी तितलियाँ आके टकराई और अपना बलिदान दे दी, पता नहीं क्यों। और
बांध के इस तरफ राइट साइड में देखोगे आप तो बहुत दूर दूर तक घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे। क्लाउड्स हैं, वाइट वाइट क्लाउड्स हैं और साथ में बढ़िया आसमान, नीला आसमान, अलग ही नज़ारा है। अभी अभी आपने जो ड्रोन शॉट्स देखे वो शॉट लेते लेते ड्रोन कुर्बानी करने चले गया था, बच गया लेकिन ना पानी में गिर गया था पूरा। बाकी मेमोरी कार्ड तो है ना। चलो हमारे जो ड्रोन पायलट थे वो ये हैं। ड्रोन क्या है ना, आते आते वो नो फ्लाइंग जोन में होके ये पेड़ में टकरा गया। ओके, लेकिन शॉट सारे कैप्चर हुए, बहुत मस्त आएंगे। चलो ड्रोन मिल गया हम लोग को और सुखाने के बाद वो फिर से उड़ेगा, फिर से उड़ेगा हेलीकॉप्टर, वो फिर उड़ेगा, फिर उड़ेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा पानी के पास में और देखिए कितनी सारी तितलियां हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों के लिए खूबसूरत टाइम लैप्स शूट हो रहा है और हमारे बैनली के कुछ हिम्मत वाले राइडर ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं और ये खूबसूरत सा व्यू, बढ़िया। तरफ हो रही है नाश्ते की तैयारी, गरम भी है और धमतरी के बड़े बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। और ज्योति मेरे को बोली थी कि धमतरी जाओगे तो वहाँ से बड़ा लेके आना, लेकिन इतनी दूर से लेके जाऊँगा तो ठंडा हो जाएगा, उसको लेके आना चाहिए था और यहाँ पे ताज़ा ताज़ा खिलाना था मेरे को। और गर्मा गर्म बड़े के साथ में है गर्मा गर्म जलेबियाँ। प्यारे प्यारे बच्चे लोग भी अभी बड़ों का आनंद उठाने वाले हैं, पोहा खाने वाले हैं। क्या नाम है बेटा? लोकेश्वर। तोर का नाम है? विशाल। और तोर का नाम है? देवेश। चिंतामणि जयपुरी, यूट्यूब में सर्च करना। हेलमेट क्लीन कर लेते हैं हम लोग। जितना कचरा फैलाए थे उसको सब इकट्ठा करके यहाँ कुछ नहीं छोड़ रहे हैं कचरा। मोदी का स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान चालू है। 10:30 बज चुके लगभग। यहाँ पे हम लोग 2-2.5 घंटा स्पेंड किए, काफ़ी बढ़िया नाश्ता वास्ता किए और अभी सब हम लोग वापस जाने के लिए तैयार। और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है और अभी फिर से निशान जी लीड करेंगे और तरुण जी स्वीप करेंगे। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन, एक बार और पीछे मुड़ के देख लेते हैं। खूबसूरत घने जंगलों के बीच से गुजर रहे हम लोग और एक बहुत ही बढ़िया मीठी मीठी खुशबू आ रही है। छत्तीसगढ़ वाले जानते होंगे एक पौधा होता है पुटुस का पौधा, जिसमें कांटे लगते हैं और उससे बड़ी प्यारी प्यारी सी खुशबू आती है। वैसी कुछ खुशबू आ रही है जब हम लोग इस जंगल से गुजर रहे हैं और तितलियाँ तो बहुत सारी उड़ रही हैं। ठीक 11 बज रहे हैं धमतरी के गलियों से गुजरते हुए और सबका ध्यान हम लोग के ऊपर है कि कौन लोग हैं ये इतनी सारी बड़ी बड़ी बाइक लेके जा रहे हैं। बहुत ही पुराना शहर है धमतरी और बहुत समृद्ध इतिहास है इस शहर का। ये है धमतरी का घड़ी चौक और यहाँ से धमतरी के भाइयों को टाटा बाय बाय कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू। जो कुछ शॉर्ट्स वगैरह आपने देखे कार में बैठ के वही भाई लोग ले दिए थे। हम लोग अभी पहुंचे हैं अवनपुर और लिए हैं हाइड्रेशन ब्रेक, पेपर बोट स्विंग, स्विंग नाम है। रायपुर है यहाँ से ओनली 25 किलोमीटर मोर, 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। रोड थोड़ा सा खराब है, गाड़ी की कंडीशन देख के आप रोड का अंदाजा लगा सकते हो।
किस तरह की सड़कों से आ रहे हैं हम लोग, सभी की गाड़ियों का वही कंडीशन है, कीचड़ 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 कीचड़। चाय पानी कोल्ड ड्रिंक ब्रेक समाप्त, अब बढ़ते हैं आगे। भाई हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए रायपुर, लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर है। कुछ भाई लोग अभी यहीं से सी ऑफ कर रहे हैं, निकल रहे हैं। ठीक है सर, फिर मिलेंगे। मैं बेटे को बहुत पसंद है डॉग्स। हम लोग बढ़िया से सकुशल पहुंच गए और थैंक यू वेरी मच मेरे को इनवाइट करने के लिए, निशान जी, तरुण जी। आपके साथ राइड करके पहली राइड थी, बहुत अच्छा लगा और लिटरली आई एम वेरी होपफुल आपको भी इंपीरियल चला के उतना ही मज़ा आया होगा जितना मतलब बाकी भाई को चलाते होंगे। बहुत मज़ा आया मेरे को, खास कर इसका जो सिटिंग पोस्चर है ना, अभी कुछ दिन पहले सर्जरी हुई थी तो उस वजह से मेरे को बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल अपराइट सीटिंग पोस्चर है, अपराइट सीटिंग पोस्चर है। बाकी रेट्रो क्लासिक को अगर कंपेयर करेंगे तो आई एम श्योर आपको कोई वाइब्रेशन कुछ भी फील नहीं होगा। फास्ट भी है। चलो ठीक है निशान जी, तरुण जी, चलते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर।